Assalamualaikum. I'm calling from Lahore. मैंने जी रिसेंटली लगवाए हैं इंजेक्शन जोड़ों में. ये जो कह रही है ना लुब्रिकेशन, वो ड्राई हो जाता है विद एज एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, तो उसकी वजह से वो आपके पेन होती है क्योंकि वो फ्रिक्शन के साथ हड्डियों की. तो वो एक आजकल इंजेक्शन आए हुए हैं, वो एवरी 3 months, 6 months लगाने पड़ते हैं, उसे वो लिक्विड एक तरह का वो लुब्रिकेट हो जाते हैं आपके जॉइंट. ठीक है. तो फिर मुझे अब रिसेंटली एक डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने कहा इट्स वेरी बैड फॉर योर किडनीज. तो मुझे अब बताएं ये कॉर्टिसोन तो नहीं है, और अगर नहीं है तो इज इट ओके दैट एवरी 3 months, 6 months, बिकॉज उसके साथ जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है. यू आर बैक टू नॉर्मल एंड यू कैन डू योर ट्रेड एंड एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग. अब ये बताएं किडनीज का ख्याल रखें या जोड़ों का ख्याल रखें, दोनों चीजों का बताएं. और क्या ये इंजेक्शंस नुकसानदेह हैं? आई थिंक जहां से ये बात कर रहे थे, 2-3 तरह के टाइप्स के इंजेक्शंस होते हैं जो हम जॉइंट्स में लगाते हैं. एक स्टीरॉइड इंजेक्शन है, एक जो नए जेल इंजेक्शन, हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन हैं, और तीसरा PRP इंजेक्शन हैं. लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात ये है शिफा कि ये इंजेक्शन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. जैसे मैं अभी रेफर कर रही थी अपने जॉइंट को कि अगर आपके जॉइंट डैमेज हो गया है और ये कार्टिलेज डैमेज हो गया है, ये नया नहीं बनेगा. लेकिन इन इंजेक्शंस की मदद से हम आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपके जोड़ जो हैं वो चलते रहें. तो इन पे डिपेंड नहीं हो आप. एक आध मरतबा आपने ये करा लिया, उसके बाद परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी अगर आप इस स्टेज में हैं. लेकिन एज अ रूमेटोलॉजिस्ट मैं आपको ऐसे मशवरे दे सकती हूँ कि आप सर्जरी तक ना जाएं, सर्जरी को हम थोड़ा लेट कर दें. तो उसमें एक तो चीज़ आ जाती है दवाइयाँ जो कि हम इस्तेमाल करते हैं. सेकेंड इन्होंने इंजेक्शंस की बात की. इंजेक्शंस के बारे में ये मैं गलतफहमी दूर करना चाहूँगी कि इंजेक्शन जो कि लोकलाइज्ड होता है कि हम जाते हैं स्किन के अंदर और ये जो जगह है जहाँ कार्टिलेज डैमेज है यहाँ पे मेडिसिन को डिलीवर कर देते हैं और वो मेडिसिन यहीं रहती है, तो उसके किडनी इफेक्ट और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं. लेकिन वही बात है कि बशर्ते एक चीज़ को हम एक हिसाब से इसको समझ के करें. तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग ये समझते हैं कि इंजेक्शन लग गया या दवाई खा ली तो हमने हम बैठ जाएंगे जो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता. मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी सब लोगों से, खासतौर पर आर्थराइटिस के पेशेंट से, कि अगर आप मेडिसिन ले भी रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, इसके साथ इस जोड़ों को एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी करें, इनको मूव करें. आप जितना इनको मूव करेंगे ये स्टिफ नहीं होंगे, आपके मसल्स श्रिंक नहीं होंगे. अगर आप इंजेक्शन लगा के बैठ जाएंगे तो फिर तो आपके जोड़ बैठ जाएंगे. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है कि एक्सरसाइज एंड प्रॉपर फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिल्कुल सही.